Assalamu alaikum, dear students of class 8. I am Sarsul Rahman. This is your class 8 mathematics books. Now we study and learning the chapter number 7, Profit Loss, and page number 92. Open your page number 92 of chapter number 7, exercise 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आपकी बुक पेज नंबर 92 का। तो आइए हम अपनी शीट भी सामने रखें और बुक भी सामने रखें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप अपने बुक पेज नंबर 92 से उतारेंगे, कॉपी करेंगे। और मैंने जो है ना शीट के अंदर स्टार्टिंग के दो वर्ड्स लिखे हैं, डॉट लास्ट वर्ड लिखा है, फिर उसके सोल्यूशन और कैलकुलेशन है। आप अपनी शीट और अपनी बुक पेज नंबर 92 एक्सरसाइज 7 अपने सामने रखिएगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में आपको समझा दूं, इजी समझ आ जाएगी, तवज्जो कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर भी 7, बुक पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। पहला मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है कि इफ़ बिलाल परचेस आ डैश अर्नड बाय हिम, लास्ट वर्ड लिख दिया हमने बाय हिम, और हमने इसके सोल्यूशन में लिखा है कि इसके अंदर कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट का सी, प्राइस का पी, सी डॉट पी इज इक्वल टू 3000, यानी कि एक चीज़ हमने, एक आइटम हमने लिया है, उसके कॉस्ट प्राइस है 3000। एक परचेस किया एक आइटम, उसकी कॉस्ट प्राइस है 3000। अब है उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग एस प्राइस पी, एस डॉट पी भी लिख सकते हैं, एस डॉट पी का मतलब है सेलिंग प्राइस, वही आइटम जो हमने 3000 में परचेस किया था 3500 में हमने सेल आउट कर दिया है, बेच दिए 3000 में ख़रीद कर 3500 में, 3500 में हमने उसको बेच दिया है। तो आप बताएं कि 3000 का लिया, 3500 का बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है, 3000 का लिया, 3500 का हमने बेच दिया है, तो 500 प्रॉफिट हो गया है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम करेंगे, प्रॉफिट हमें लिया, इसमें गेन हुआ है, तो प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 3500 माइनस कॉस्ट प्राइस है 3000। अब 3030 और 3500 दोनों में से हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500, 500 इज़ आ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट का परसेंटेज हम फाइंड करेंगे कि 100 पर हमें कितना प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू 500 और सीपी हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। तो अब 2000 के नीचे 3000 वाली 20 कैंसिल हो जाएंगी, बाकी ये 30 बचा, 30 के एक ज़ीरो ऊपर के 500 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर बच गया 50 डिवाइडेड बाय 3, अब 50 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब इसका जो है ना 3 डिवाइड करेंगे 50 पर, 15 का जब टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 50 पर, तो 16.66 आ जाएगा। अब ये जो 66 होता है ना, यानी 6 के बाद ये 60 बनते हैं, आगे एक और ज़ीरो भी लगा सकते, इस तरह आगे कंटिन्यू रहेगा, इसको हम नियर अबाउट 7 लिख सकते हैं। आंसर ये भी सही है, लेकिन नियर अबाउट 16.7% भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, जो मैंने आपको बड़े आसान तरीके से ये समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप अपना उसी जो आपके वर्कशीट दी गई है, शीट नंबर 3 दी गई है, उसमें भी सॉल्व है, यहाँ पर मैंने आपको उसकी कैलकुलेशन बताई है। अब आप अपने जो इसी पेज 92 का क्वेश्चन नंबर 4 अपन इसी में से कॉपी करेंगे, पूरा स्टेटमेंट अपनी बुक में से लिखिएगा, मैंने उसको जो है ना स्टार्टिंग और लास्ट वाला वर्ड लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सन्ना रन्स अ बुटीक डैश 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 डैश, यानी कि डॉट डॉट लॉस परसेंटेज शी बियर्स।
उसने जो है ना यहाँ पर ही खुद क्वेश्चन के अंदर बता दिया है कि उसने लॉस परसेंटेज लिया है कि बर्दाश्त किया है, कितना लिया है वो अब हम उसका फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सी पी लिखेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस 10,000। एक जो है ना बुटीक का सूट लिया है 10,000 का, और 10,000 के बाद उसको बेच दिए, सेलिंग प्राइस है 9,800 का, 9,800 का बेच दिया है और लिया है 10,000 का, इसका मतलब है लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 200 का। अब यहाँ पर लॉस लिखेंगे, लॉस का फार्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो पहले लिखती है, 10,000 माइनस 9,800 यानी कि 9,800 माइनस करेंगे, बाकी 200 बचेगा, 200 हमारा लॉस है। तो अब लॉस परसेंट हम फाइंड करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है हमारे पास 200 और सीपी है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। इसके 2020 से कैंसल, ऊपर वाली 2020 से कैंसल, बाकी 2 बच जाएगा, तो लॉस हमारे पास आ जाएगा 2%। 2% इज़ अ लॉस। 10,000 का हमने लिया बुटीक और उसके अंदर सूट परचेज किया और उसको हमने 9,800 का सेल आउट कर दिया, तो उसमें से हमें 200 लॉस मिला और उसी लॉस का परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 2% आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था जो मैंने समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के वर्डिंग है स्टार्टिंग वाली, जावेद बायज अ डेस्क, डॉट डॉट डॉट, प्रॉफिट या लॉस, आपने खुद बताना है कि उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पूरी स्टेटमेंट आप अपनी बुक में से कॉपी कीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सी पी ऑफ डेस्क, डेस्क उसने जो है ना कॉस्ट प्राइस है उसकी यानी कि परचेस किया है, उसकी कीमत है 15,000, और सी पी ऑफ चेयर्स, एक चेयर्स खरीदी हैं और उनके कॉस्ट प्राइस है 5,000, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी डेस्क की और चेयर्स की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर इज इक्वल टू 15,000 प्लस 5,000, तो दोनों का 50,000 और 15,000 को प्लस करेंगे 5 और 15 को, तो 20,000 आएगा। डेस्क और चेयर्स की टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी 20,000। अब उनको सेल आउट किया है, सेलिंग प्राइस यानी कि एस डॉट पी सेलिंग प्राइस ऑफ डेस्क वो पेश दी है 15,500 का, लिया था 15,000 का, बेच दिया है 15,500। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है, परचेज की थी वो हमने 5,000 में, अब बेची है 1,000 के अंदर, अब 1,000 में हमने उसको बेच दिया है, 1,000 में बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हम लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर्स 15,500 प्लस 1,000 ये हो जाएगा 16,500, 16,500 इसके टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। अब इसके अंदर ये लॉस हुआ है क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस है 20,000 और उसकी सेलिंग प्राइस है 16,500, तो लॉस है। लॉस हम फाइंड करने के लिए सी पी माइनस एस पी लिखेंगे, सी पी हमारे पास है 20,000 माइनस एस पी है 16,500, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,500, ये हमारे लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज करेंगे, इसकी फाइंड आउट करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस हुआ है 3,500 और कॉस्ट प्राइस था उसका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इनकी ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी या 100 से और ऊपर वाले 3,500 से, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 2। अब 35 पर 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.5% इज़ द लॉस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है जैसे पहले क्वेश्चन कराएं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है और उस 7 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 7 का शॉपकीपर डॉट डॉट इन द शॉप क्वेश्चन मार्क, उसके सॉल्यूशन स्टार्ट किया है हमने। इसका प्राइस ऑफ आइटम है वो हमारे पास है 100 और इसके 100 में हमें डिस्काउंट मिला है 10
1000 में से जो है ना डिस्काउंट मिला, तो बाकी इसका सेल प्राइस होगा एटम का 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अब इसका डिस्काउंट परसेंट रेट हम फाइंड करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय 100% डिस्काउंट हमारे पास 10 है और प्राइस हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100% वाला 100 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 हम परसेंट हमारा पास इसका आंसर है। या क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सरसाइज 7 का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है ना मैं चैप्टर नंबर 8 समझा रहा हूँ जो शीट में दिया गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, कंपाउंड प्रोपोर्शनल, कंपाउंड प्रोपोर्शनल एंड बैंकिंग है इस चैप्टर का नाम, और एक्सरसाइज 8 और बुक पेज नंबर 108। इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू यानी कि प्रोपोर्शनल है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 का पार्ट 1 है वो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम पढ़ेंगे 12:15 इज इक्वल टू x:25। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हमारे पास ये 12 और मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, और जो मिड वाले नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मींस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मींस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मींस हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई होगा, और इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ये एक्सट्रीम्स 12 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25, एक्स के साथ 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे हम 5 के टेबल में, 5 3 15, 5 5 25, 5 का टेबल पढ़ेंगे 12 पे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 पे, 3 1 3 3 4 12। अब नंबर आ गया 4 और 5 4 5 20, तो 20 आंसर हमारी एक्स की वैल्यू हमने 20 फाइंड आउट कर ली है। अब आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आप करेंगे, डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कारपेट है, यहीं से आप पूरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में से कॉपी करेंगे, और लास्ट वर्ड है बाय 30 फीट। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर इसके अंदर एक विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, लेंथ है कारपेट की, और उसकी अमाउंट है। अगर उसकी विड्थ 12 मीटर है और 12 है फुट, और उसकी लेंथ है 25 फीट, और उसकी कीमत बन रही है 2500। अगर विड्थ हो जाए उसकी 50 फीट और लेंथ हो जाए 30 फीट, और उसकी अमाउंट कितनी होगी ये बताना है। तो ये नंबर हम लिखेंगे, ये नीचे वाला एक्स अपॉन 25 इज इक्वल टू, तो ये लिखेंगे 50 / 12 मल्टीप्लाई बाय 30 और ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 25, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स मल्टीप्लाई करेगा 12 और 25 से, 2500 मल्टीप्लाई करेगा 50 और 30 से। इनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 30। अब एक्स के साथ जो नंबर 12 और 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड में आकर डिवाइड हो जाएंगे, इनको नीचे लिखेंगे। अब 25 का टेबल 50 पे पढ़ेंगे, 25 2 50 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 2 6 12, 6 आया। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे हम 30 पर 6 1 6 6 5 30। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 और 2 कैरी 12, तो 2500 हमारे पास ये आ गया, 12500 इज द आंसर। ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा दिए ऑफ एक्सरसाइज 8 का। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 6 7 डू योर सेल्फ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।